उम्मीद करती होंगी सब यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। और आज हम ना लगे हैं नए दिन की नई रेसिपी और साथ में ना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं पापा अपना। आज हम लगे हैं मोमोस, ठीक है। बहुत दफ़ा देखा होगा इंडिया में मोमोस बन रहे, तो आज मैंने कहा मैं भी ट्राई करके आप लोगों को अब तक खाती हूँ, ठीक है। ये मैंने ना दो बड़े सीने के पीस लेके ना उसको मैंने खाली नमक डाल के ना सिलका डाल के और बॉईल करके ना इसको मैंने चॉप कर दिया। देखिए वो कच्चा डालते ना, हमने कच्चा नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है एक बंद गोभी छोटी, एक गाजर छोटी, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, इसके अंदर एक लहसुन डाल के ना मैंने चॉप कर दिया। इन सबको मैंने चॉप कर दिया, ठीक है। और ये सब ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पचा लेंगे। अब ज़्यादा हमने चॉप करके रख दिया। ये पाव मैंने मैदा लिया, ठीक है। और तीन हरी मिर्चें पीली पीली काटी हैं, धनिया चाहिए। अब अपनी रेसिपी का अब मसाला भून लेते हैं हम अपना। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर ज़रा सा ऑयल डालते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना थोड़ा सा चुटकी ज़ीरा डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ना इसके अंदर प्याज चॉप किया, एक प्याज है नॉर्मल था, एक बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, और एक लहसुन डाल के ना इसके अंदर हमने चॉप कर लिया, ठीक है। पकाना नहीं है, बस हल्का सा ना सोतो करना है आपने बस। अब ये देख सकते हैं हल्का सा सोतो हो गया, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी ना बंद गोभी ऐड कर देते हैं, सारी ऐड नहीं करनी, शिमला मिर्च सारी ऐड कर लेना, थोड़ी सी गाजर, ठीक है। ये देख सकते हैं, बाकी मैंने ना छोड़ दिया, ज़्यादा सब्जी हो जाएगी नहीं तो। ज़्यादा ऑयल नहीं भरना आपने इसके अंदर ना, देखिए साथ ही ये फ्राई हो रहा है, ठीक है। अब साथ में अपना ना चिकन ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कौन सा भी आप ना चिकन पाउडर ऐड करते हैं बीच में, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, या तो नॉर की टिक्की थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, ठीक है। इसके अंदर हम काली मिर्च ऐड करते हैं आधी चम्मच, ठीक है। दो हरी मिर्च ऐड कर देते हैं इसके अंदर जो मैंने अब बताया, ठीक है। गरम मसाला ऐड करते हैं इसके अंदर, सूखा धनिया ऐड कर दें, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करते हैं, देख सकते हैं आप। फिर आपने थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना इसके अंदर, ठीक है। फिर आपने सोया सॉस ऐड कर देना, फिर चिली सॉस आपने ऐड कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अभी हमने नमक नहीं डाला, अपने जैके के मुताबिक ना अब नमक ऐड कर देना इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि चिकन के अंदर भी नमक था। ये देखिए हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बंद गोभी हम ऊपर डालेंगे, ये वाली ऊपर से कैरेट डालेंगे, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा ना कलर चेंज हो गया वो करके ना, देख सकते हैं सारा कुछ चॉप करना, ठीक है। उसके बाद ना धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये हमारा रेडी हो गया मोमोज का मटेरियल। अब इसको मोमो के अंदर भरते हैं। हम मोमोज का आटा गूंदना है, आपने एक चम्मच ऑयल डालनी है, ठीक है, भर के। आधे चम्मच नमक डालनी है, ठीक है। इसको इसको मिक्स कर देना आपने अच्छी तरह, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर ना आटा गूंद देना इसको, ठीक है।
देखिए अभी थोड़ा सा सख्त है ना, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। ठीक है, नरम सी डो बना लेनी है आपने। ठीक है, ये देखिए अब सॉफ्ट हो जाएगी बाद में। देखिए अब इसको रख देते हैं 15-20 मिनट रख देते हैं या 5-10 मिनट रख दे, उसके बाद हम इसको आटा गूंथ के ना फिर इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। ये देखिए हमने ना कितने अच्छे डो बन गई। देखिए देखिए अब इसको हम ना गूंथ लेते हैं। ठीक है, मैदा रस करके अब इसको हम बेल लेते हैं। इसी तरह पतली आपने बेलनी है ये। मोटी नहीं बेलनी आपने। ये देखिए हमने पतली सी कढ़ी है, बिल्कुल पतली की तरह, रोटी की तरह। ये देखिए हम इस तरह इसको ना एक शेप में ही काटेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं। ये देखिए आपने ना इसके अंदर ज़रा सा भरना है। ठीक है, उसके बाद ना आपने ये देखिए ये ना, तो आपने ना इसको पहले इसके साथ बंद करना ना, फिर आपने इसके साथ बंद करना, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे अपनी मर्ज़ी से शेप बना सकते हैं आप ना। देखिए मैंने ये वाली शेप बनाई है। ठीक है, एक शेप आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बीच में रख के ऊपर से ना इस तरह भी शेप है। ठीक है, इस तरह भी आप शेप बना सकते हैं, ये वाली मोमो की शेप। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं आप। देखिए हमने ना इसके अंदर एक गिलास पानी डाल के ना और इसके अंदर ना एक स्टैंड रख दिया ये वाला। देखिए बाबा आ रही ना पानी की। अब इसको ना हम ऐसा कोई भी ढक्कन ले लें आप, इस तरह इसको उल्टा करके रख दें। ठीक है, उसके बाद ना हम इसको ना ऑयल कर देंगे कि मतलब ऑयल से ना इस तरह कर देंगे, मारेंगे ना मोमोस चिपके ही नहीं इसके अंदर। इस तरह आपने कर देना। ठीक है, के बाद आपने ना एक एक करके ना इनको रख देना। ठीक है, सारों को रखते रहेंगे साथ साथ। देखिए 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको, ये देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह, कितने प्यारे हो गए। ये देखिए चिपके भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप तेल लगा लें ऑयल, तो ये चिपकेंगे भी नहीं। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। घर में बना के खाएं, मम्मी से कच्चे नहीं लगेंगे, हमने इसको अच्छी तरह पका लिया। ठीक है, देखिए ये देख सकते कितने मज़े के मोमन, ये बिल्कुल वैसे बने हैं। ठीक है, अभी सॉस से खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में फीडबैक लाजमी बताना, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और व्लॉग लेके आऊँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और जिसने न्यू है, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, वो अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।